नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार। मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट जितेंद्र पर आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम कमाल की वीडियो लेकर के आप सभी दोस्तों के सामने प्रस्तुत हूँ। दोस्तों, अगर आप अपनी समस्या, अपनी परेशानी को लेकर के दर दर भटक रहे हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, आपके क्षेत्र के अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, तो आप सीधे ऑनलाइन प्रधानमंत्री जी से शिकायत कर सकते हैं और अपनी समस्या से निजात पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है, ऑनलाइन प्रधानमंत्री जी से शिकायत घर बैठे करें। ठीक है, एक बात और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो धन्यवाद, अगर नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जितनी भी वीडियो डालें सबसे पहले आपको अपडेट मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कैसे ऑनलाइन शिकायत करें। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र पर चलना है। ठीक है, तो मैं क्रोम ब्राउज़र पर चलता हूँ। ये मैं क्रोम ब्राउज़र पर आ चुका हूँ। यहाँ आपको टाइप करना है PM इंडिया। ठीक है, PM इंडिया। ठीक है, देखिए आ चुका है ऊपर में, इसी को हम ले लेते हैं। इस पर हम सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद कुछ इस तरह का पेज खुलेगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि ऊपर में ही देखिए लिंक आया है www.pmindia.gov.in, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पेज खुलेगा। ठीक है दोस्तों, पेज खुलने के बाद ऊपर में देखिए यहाँ लैंग्वेज है। ठीक है, इसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जिस भी लैंग्वेज में आप शिकायत करना चाहते हैं उस लैंग्वेज को आपको चूज़ करना है। ठीक है, यहाँ बहुत सारी लैंग्वेज है, आप जो भी लैंग्वेज को यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम हिंदी में फिलहाल करते हैं। तो हिंदी में क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पेज खुलेगा। उसके बाद आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है। ठीक है दोस्तों, स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद और नीचे जाना है दोस्तों। उसके बाद देखिए यहाँ दिख जाएगा नीचे, देखिए प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करें। ठीक है, यहाँ आपको आना है। कुछ आपको अगर सुझाव देना है तो इस पर क्लिक कीजिएगा यहाँ। ठीक है, उसके बाद आपको शिकायत अगर करना है तो प्रधानमंत्री को लिखें। ठीक है, देखिए इस साइड में राइट साइड में लिखा है, तो इस पर हम क्लिक करते हैं। ठीक है, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पेज खुल जाएगा, एक फॉर्म जैसा। ठीक है, ये खुल गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ आपको सही सही जानकारी भरना है। ठीक है, अपना नाम लिखना है, अपना जेंडर को चुनना है, उसके बाद देखिए अपना कंट्री को चुनना है, जिस भी भारत पहले से ही सिलेक्ट है। उसके बाद यहाँ एड्रेस लिखना है, सही सही पिन कोड लिखना है। उसके बाद आपको राज्य चुनना है, जिस भी राज्य से आप हैं उस राज्य को आपको चुनना है। देखिए यहाँ बहुत सारे राज्य का नाम दिया है, उड़ीसा, कर्नाटक, उत्तराखंड, ठीक है, केरल, गुजरात, गोवा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, झारखंड। ठीक है, तो आपको यहाँ राज्य चुनना है। उसके बाद जनपद चुनना है, डिस्ट्रिक्ट, जिस भी ज़िले से आप हैं वो डिस्ट्रिक्ट आपको चुनना है। उसके बाद आपको फ़ोन नंबर देना है। दोस्तों, फ़ोन नंबर वही दीजिएगा जो आपके पास मौजूद हो। ठीक है, उसके बाद नीचे में मोबाइल नंबर, उसके बाद ईमेल आईडी दे देना है। उसके बाद किस प्रकार का आप शिकायत करना चाहते हैं तो आपको यहाँ टच करना है। उसके बाद यहाँ आपको सेलेक्ट करना। ठीक है, लोक शिकायत, सुझाव, प्रतिक्रिया, विमुद्रीकरण मुद्दे। ठीक है, संदेश अनुरोध लास्ट में है, तो आप जैसा भी चाहेंगे वैसा आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ आपको इस जो जगह है दिख रहा है खाली जगह, ये यहाँ आपको अपना शिकायत को टाइप करना है 4000 अक्षरों में। ठीक है दोस्तों, ये याद रहे कि ऊपर में देखिए स्पेशल करेक्टर जो है ये आपको यूज नहीं करना है। ठीक है, ऊपर में जो लिखा है यहाँ स्पेशल कैरेक्टर, इसको आपको यूज नहीं करना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ देखिए लिखा है, क्या आप PDF अटैचमेंट अपलोड करना चाहते हैं, यदि हाँ तो क्लिक करें और नहीं तो छोड़ दीजिए। ठीक है, अगर हाँ तो इस पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा हाँ पर, तो वैसे ही इस तरह का एक पेज खुलेगा और आपको यहाँ अपलोड करने बोलेगा। ठीक है, जो कि 4 MB के नीचे रहना चाहिए। ठीक है, PDF फाइल में। ठीक है, तो फिलहाल हम इसको अपलोड नहीं कर रहे हैं, रद्द कर देते हैं इसको और फिर से हम वही पेज पर आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए ये कैप्चा कोड है 181, वो आपको इस
रेक्टेंगल में आपको टाइप कर देना है और फाइनल सबमिट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको एक नंबर दे दिया जाएगा दोस्तों, वो आपको उसी से आप चेक कर सकते हैं कि आपका शिकायत कहाँ है और कहाँ तक पहुँचा है, ठीक है। उसके बाद आपको 15 से 20 दिन तक में आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा उधर से, ठीक है। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ये हम अभी फ़िलहाल नहीं भर रहे हैं क्योंकि ये कोई मामूली बात नहीं है, इसलिए हम सिर्फ आपको दिखा दिए डेमो करके, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को समाप्त करते हैं।